हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर एंड उसका नाम है फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। तो देखिए, टाइम डोमेन एनालिसिस तो हम लोग काफ़ी डिटेल में और डीप में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस क्या होता है और उसके बारे में उसके बेसिक्स बताते हैं आपको। तो फर्स्ट वी राइट फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस, ठीक है। यानी कि जैसे टाइम डोमेन एनालिसिस तो हम लोग सारी चीजें पढ़ चुके हैं कंट्रोल सिस्टम की। आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि द मैग्नीट्यूड एंड फेज रिलेशनशिप बिटवीन साइनसोइडल इनपुट एंड स्टेडी स्टेट आउटपुट ऑफ ए सिस्टम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, ठीक है। यानी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होता है? फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है कि किसी भी सिस्टम के द मैग्नीट्यूड एंड फेज रिलेशनशिप बिटवीन साइनसोइडल इनपुट एंड स्टेडी स्टेट आउटपुट ऑफ ए सिस्टम, मतलब किसी भी आउटपुट सिस्टम के आउटपुट में और उसके इनपुट में जो रिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। और उसमें हम दो पैरामीटर देखते हैं सिस्टम का, ठीक है। एक तो हो गया सिग्नल, आउटपुट सिग्नल का मैग्नीट्यूड, और दूसरा हम क्या देखते हैं? उसका फेज, ठीक है। मतलब किसी भी सिस्टम के आउटपुट का मैग्नीट्यूड का उसके इनपुट सिग्नल के साथ क्या रिलेशन है, वो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में आता है। सेकेंडली, किसी भी सिस्टम के आउटपुट सिग्नल के फेज का इनपुट के साथ क्या रिलेशन है, वो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में आता है। तो इसी को हमने आपको बोला है कि द मैग्नीट्यूड एंड फेज रिलेशनशिप बिटवीन साइनसोइडल इनपुट एंड स्टेडी स्टेट आउटपुट। तो अब इसमें ये ध्यान रखिएगा कि इनपुट हम किस तरह लेंगे, तो इनपुट हम लेंगे साइनसोइडल, ठीक है। इनपुट साइनसोइडल होगा और जो आउटपुट हम कंसीडर करेंगे वो स्टेडी स्टेट आउटपुट लेंगे, स्टेडी स्टेट आउटपुट। इनके बीच में हम रिलेशन देखेंगे, इनके मैग्नीट्यूड के बीच में रिलेशन देखेंगे और इनके फेज के बीच में रिलेशन देखेंगे, और उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। अब मान लीजिए हमने कहा कि हमने ये कहा कि लेट इनपुट सिग्नल जो है हमारा, लेट इनपुट क्या है हमारा, आर टी इक्वल टू एक्स साइन ओमेगा टी, ये हमारा इनपुट सिग्नल है। तो आउटपुट क्या हो जाएगा? आउटपुट हम लिख सकते हैं, आउटपुट हो जाएगा हमारा सी टी इक्वल टू वाई साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। तो द मेन एडवांटेज इज दैट द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ ए स्टेबल ओपन लूप सिस्टम कैन बी ऑब्टेन एक्सपेरिमेंटली। मतलब अगर आपका ओपन लूप सिस्टम है, स्टेबल ओपन लूप सिस्टम है, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो आप एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। अप्लाई ए साइन वेव एट द इनपुट ऑफ द सिस्टम एंड मेजर द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आउटपुट एंड इनपुट एज वेल एज द फेज डिफरेंस, ठीक है। यानी मान लीजिए ये अगर कोई सिस्टम है तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, आप यहाँ पे इनपुट सिग्नल अप्लाई कीजिए। तो इनपुट सिग्नल में आप क्या ले सकते हैं? साइन वेव आप ले लीजिए एज ए इनपुट, ठीक। ये आपने इनपुट ले लिया साइन वेव को, और यहाँ पे आप क्या कीजिए, आउटपुट आप इसको मेजर कीजिए, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड और फेज डिफरेंस। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है इस सिस्टम का मिल जाएगा साइनसोइडल इनपुट के लिए, ठीक। एक पहला तो ये फायदा है कि हम एक्सपेरिमेंटली इसको निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है कि अनदर एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट इट इज सिंपल एंड एक्यूरेट। दूसरा फायदा क्या है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स निकालने का, कि ये सिंपल मेथड है और एक्यूरेट रिजल्ट देता है, एंड एक्यूरेट। तो
तो ये दो एडवांटेज है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कैलकुलेट करने के किसी भी कंट्रोल सिस्टम के लिए। अब आ जाइए कि इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें जैसे हमने अभी आपको बताया कि वी कैन डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। तो इससे फायदा क्या होता है कि किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है उसका हम ट्रांसफर फंक्शन भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई उसका हम उसको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर लेंगे, उसको साइनसोइडल इनपुट देंगे, जो आउटपुट आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड और फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर हम आउटपुट बटे इनपुट करके, आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट करके हम उसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस टेस्ट आर नॉट सुटेबल फॉर द सिस्टम्स हैविंग लार्ज टाइम कांस्टेंट, बिकॉज फॉर ईच फ्रीक्वेंसी इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू रीच द स्टेडी स्टेट। अब ये जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस वाला आपको मेथड हमने बताया है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कैलकुलेट करने का, ये उनके लिए सुटेबल नहीं है जिनका टाइम कांस्टेंट जो है वो लार्ज है। तो लार्ज है तो क्या होगा कि स्टेडी स्टेट अचीव करने में सिस्टम को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जब स्टेडी स्टेट अचीव करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो इसका मतलब कि उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स निकालने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सो दिस फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मेथड इज़ नॉट सुटेबल फॉर दोज टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम हुज टाइम कॉन्स्टेंट इज वेरी लार्ज। ठीक, बाकी यह है कि आप ट्रांसफर फंक्शन आप लोग पढ़ ही चुके हैं, सी एस इक्वल टू क्या होता है, सी एस अपॉन आर एस होता है। ठीक है, जहाँ पे सी एस क्या है वही जो अभी तक हम लोग कन्वेंशन यूज करते आए, ये आउटपुट हो गया, इनपुट हो गया, ये आपका ट्रांसफर फंक्शन आ गया। ठीक, अब अगर एस को हम जे ओमेगा रख दें तो जी ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू हो गया आपका सी ऑफ जे ओमेगा डिवाइडेड बाई आर ऑफ जे ओमेगा हो गया। ठीक, या यहाँ से आप निकाल सकते हैं आउटपुट जे ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका आर जे ओमेगा इंटू जी जे ओमेगा। ठीक है, तो द आउटपुट इज द प्रोडक्ट ऑफ इनपुट ये इंटू मॉड ऑफ जी एस। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि फॉर स्टेबल सिस्टम द साइनसोइडल आउटपुट इज ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एज इनपुट, बट द एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ द आउटपुट विल बी डिफरेंट फ्रॉम इनपुट। तो ये ध्यान रखिएगा, ये चाहे तो आप नोट भी कर लीजिए कि फॉर स्टेबल सिस्टम, अगर आपका सिस्टम स्टेबल है या स्टेबल सिस्टम के केस में क्या होगा कि द साइनसोइडल आउटपुट इज ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एज इनपुट, यानी ये ओमेगा जो है सी के लिए और आर के लिए सेम रहेगा। ठीक है, तो फॉर स्टेबल सिस्टम द साइनसोइडल आउटपुट, द साइनसोइडल आउटपुट इज ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एज इनपुट, इनपुट और आउटपुट की फ्रीक्वेंसी सेम होगी लेकिन एम्पलीट्यूड और फेज आउटपुट का डिफरेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू इनपुट, बट द एम्पलीट्यूड एंड फेज विल बी डिफरेंट फ्रॉम इनपुट। आउटपुट और जो एम्पलीट्यूड और फेज है वो इनपुट से डिफरेंट होगा लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम होगी अगर सिस्टम स्टेबल है तो। ठीक है, तो इसीलिए हम जी ऑफ जे ओमेगा को अगर हम मान लीजिए मैग्नीट्यूड और एंगल फॉर्म में लिखे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एम, और ये एंगल हमने लिख दिया फाई, जहाँ पे एम क्या है, एम इज द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ आउटपुट एंड इनपुट साइनसॉइड। एम क्या है, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ आउटपुट एंड इनपुट साइनसॉइडल एंड इज कॉल्ड द गेन और मैग्नीट्यूड रेशियो। तो इस एम को क्या बोलते हैं, गेन और मैग्नीट्यूड रेशियो, मतलब आउटपुट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय इनपुट का मैग्नीट्यूड। और फाई जो है, फाई इज द एंगल बाय विच आउटपुट लीड्स द इनपुट, मतलब फाई एक तरह से इनपुट और आउटपुट में
फेज डिफरेंस बताता है, और उसमें भी इस रिस्पेक्ट में बताता है कि इस एंगल से आउटपुट लीड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू इनपुट, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फाइव वो एंगल है जिससे आउटपुट लीड्स इनपुट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए अभी आप आगे न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे, फाइव अगर माइनस में आता है तो इसका मतलब क्या हुआ, आउटपुट लीड करने की बजाय लैग कर रहा है। तो ये सब चीजें अभी आगे तो आपको रूट ये पोलर प्लॉट वगैरह और बॉर्डर प्लॉट वगैरह कराते हैं, बस स्टेप बाय स्टेप लेक्चर वाइज आप सीरियली फॉलो करते जाइए, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता तो कमेंट लाइन में कमेंट कीजिए, ठीक है, उसको दोबारा से आपको रिपीट करके क्लियर कर देंगे। ठीक, तो ये कंट्रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अब इसमें क्या होता है कि अच्छा फाई हमने लिख दिया कि फाई इज एंगल बाई विच आउटपुट लीड्स द इनपुट, एम एंड फाई आर द फंक्शन ऑफ एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा। तो वो तो जब आप देख रहे हैं ओमेगा आ ही रहा है, तो इसमें फाइनली आपको ये चीज निकल के आएगी कि से यहीं पे लिख देते हैं एम एंड फाई मतलब रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड आउटपुट और इनपुट का, और सिमिलरली फेज डिफरेंस बिटवीन आउटपुट और इनपुट, ये दोनों किसके फंक्शन होते हैं, बोथ ऑफ देम आर फंक्शन ऑफ एंगुलर फ्रिक्वेंसी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा। ठीक, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। फ्रिक्वेंसी रिस्पांस का हमने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है, बेसिक्स बता दिया। अब नेक्स्ट उसमें जो है हम डिफरेंट तरह के कर्व या प्लॉट्स स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए रूट लोकस प्लॉट तो आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, ठीक है, रूट लोकस प्लॉट तो आप लोग कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको पोलर प्लॉट कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके क्या रूल्स होते हैं, कैसे होता है, वो सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।